हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं प्रिंसेस कट पैड वाला ब्रांडेड डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, डिज़ाइनर ब्लाउज़ की खूबी क्या होती है, उसकी खास बात क्या होती है, उसका फिटिंग और फिनिशिंग। आप इमेज में जो ब्लाउज़ देख रहे हो उसका फिटिंग देखो, कहीं भी रिंकल नहीं होगा, कोई झोल झाल नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग। तो ऐसा फिटिंग कब आएगा, इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ दो चीज़ समझना है, दो बात का ध्यान रखना है, और कौन सा मेजरमेंट हमको चाहिए वो समझना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 38 साइज़ की डमी लिया हो, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो आज जो हम ब्लाउज़ बनाएंगे ये डमी के मेजरमेंट से बनाएंगे। इसमें आपको दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, एक तो ये बस्ट जो राउंड मेजरमेंट होता है, बस्ट का मेजरमेंट होता है, तो बैक के अकॉर्डिंग बस्ट का पार्ट बड़ा होता है। तो यहाँ पे फ्रंट हमारा बड़ा होता है और बैक छोटी होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस बैक का जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट ये कर्व की वजह से फ्रंट के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, फ्रंट फ्लैट होता है, यहाँ पे कर्व होता है, इसलिए ये पार्ट बड़ा होता है। ये दो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और मेजरमेंट हमको लेंथ चाहिए, शोल्डर चाहिए, शोल्डर आपको यहाँ बैक से लेना है, एक्रॉस बैक का मेजरमेंट चाहिए जो आर्मोल के मिडल से नापा जाता है, एक्रॉस बैक, एक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट चाहिए, वो भी आर्मोल के मिडल से आपको मेजर करना है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, बेस्ट राउंड का मेजरमेंट चाहिए, वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, और आर्मोल का राउंड आपको नाप लेना है। आर्मोल का राउंड आपको इस तरह से नाप लेना है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग कैसे होता है। फ्रेंड्स, हम पेपर को सीधा कर लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले मार्किंग लगाएंगे लेंथ का, 15 लेंथ है, 15। शोल्डर स्लोप होगा हमारा, जितना शोल्डर है 15 शोल्डर है, आपको मेजरमेंट डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, 15 शोल्डर है, तो 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड 12, 1.25, तो 1.25 सवा इंच हमारा शोल्डर स्लोप होगा। भी बस्ट लाइन है हमारी 10, बस्ट पॉइंट है 10, एक मार्किंग लगाएंगे 10 पे। ये हो गई बस्ट लाइन, ये हो गई लेंथ। फ्रेंड्स, आराम से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीका है। अभी नेक का हम मार्किंग करेंगे, तो 15 नेक है हमारे, 15 को 5 से डिवाइड करना है, तो उसका 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंच पे दोनों साइड मार्किंग करना है। इसको राउंड कर लेंगे, अभी हम यहाँ पे आर्मोल की लेंथ कितनी आनी चाहिए, आर्मोल कितने इंच पे कटना चाहिए वो समझेंगे। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे जो एक्रॉस फ्रंट का मार्किंग, तो एक्रॉस फ्रंट है हमारा 14, 14 उसका हाफ होगा 7, तो 7 पे हम एक सीधा मार्किंग कर देंगे ये। अभी बेस्ट का हम मार्किंग लगाएंगे, सबसे पहले बेस्ट का मेजरमेंट है 38, 38 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा, 9.5। अभी इसमें पैड लगने वाला है, तो पैड लगने से 1 इंच मेजरमेंट बढ़ जाता है, तो 1/2 इंच हम पैड के लिए ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, 1/2 1 इंच, क्योंकि ये फ्रंट फ्रंट को फ्रंट दो पार्ट में होता है, हमने इसको डिवाइड किया है हाफ में, तो जो भी मेजरमेंट अप्लाई होगा उसका हाफ होगा, तो 1 इंच का हाफ होता है हाफ, तो 9.5 में 1/2 इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 10। प्लस आपको एक चीज़ जो मैंने बताया था, डमी पे फ्रंट बैक के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, तो फ्रंट यहाँ पे 2 इंच बड़ा होता है, तो हमको 1 इंच और ऐड करना है, 2 इंच का हाफ होता है 1, यानी कि 1 इंच ऐड करना है हमको, तो ये हमारा टोटल मेजरमेंट हो गया 11।
राइट। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लूजिंग कितने आने, यहाँ पे लूजिंग कितने आने वाली है वो मैं आपको बता दूँ। 38 बस्ट राउंड का मेजरमेंट है, 1 इंच का पैड का मेजरमेंट ऐड होगा, 39 हुआ, 1 इंच की लूजिंग हम देंगे, टोटल 1 इंच की लूजिंग। ब्लाउज ज़्यादा लूज नहीं होता है, फिटिंग में होता है, तो 1 इंच की लूजिंग हम देंगे यहाँ पे। तो हो गया 40, तो हमको ये बस्ट 40 रेडी करना है। तो अभी ये हमारा बस्ट आ रहा है 11, राइट। 11 यानी कि 22 फ्रंट होगा हमारा रेडी। तो बैक हमारा कटेगा 18 पे, तो हमारा 40 एकदम रेडी आएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। जैसे 1 इंच इधर हमने बढ़ाया, तो अपर चेस्ट में भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो अपर चेस्ट है हमारा 37, 37 को 1/4 करेंगे तो 9¼, 9 1/4 9, 1 इंच ऐड करेंगे उसमें तो हो जाएगा 10½, 10¼, राइट। तो ये हो गया हमारा 3¼ का डिस्टेंस आया, सॉरी 3 इंच का डिस्टेंस आया फ्रेंड्स। तो 3 इंच में से 1/4 इंच माइनस करेंगे हम, हाँ सॉरी 3 इंच में से 3/4 माइनस करेंगे तो आया 2¼। तो 2¼ को ऐसे रखेंगे हम। आर्मोल है हमारा 16 का हाफ होता है 8 पे मार्किंग लगाएंगे। इसको सीधा कर देंगे तो ये हो गया हमारा आर्मोल। अपर चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। तो अभी हम, पहले मैंने जो बताया था वो अलग स्टाइल था। ये डार्ट हमने पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन करके निकाले थे, ये डार्ट को इधर से निकाले थे। आज इधर से नहीं निकालूंगा मैं, इधर ही गायब कर दूंगा ये डार्ट को। तो इसके लिए हमको ये मार्किंग और ये मार्किंग दोनों को मैच करके एक लाइन लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डार्ट था वो इधर निकल गया, तो अभी हमको इधर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी क्या करना है, अभी ये जो आर्मोल है इसके हाफ पे मार्किंग करना है और शोल्डर हमारा नाप लेंगे। शोल्डर है 15½, 15½ का हाफ करेंगे तो ये हो गया हमारा शोल्डर। ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलाना है, और ये पॉइंट से इधर मिलाना है। इतना प्लेन रखना है फ्रेंड्स, इसको इधर टच नहीं करना है, इधर 1 इंच पहले इसका राउंड लेना है, ठीक है। इसको हम मार्किंग कर लेंगे और आर्मोल को नाप लेंगे हम। 16 का हाफ होता है 8, तो ये 8 हमारा आर्मोल रेडी है। अभी फ्रेंड्स 38 साइज में बस्ट पॉइंट होता है। अब बस्ट पॉइंट एपेक्स टू एपेक्स नाप के उसका हाफ करके बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। या 38 साइज में 4 इंच का बस्ट पॉइंट होता है, तो 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। और जितना यहाँ पे हमने लिया है इससे यहाँ पे 3/4 माइनस करके एक मार्किंग करना है, तो 3¼ इंच आएगा, 3¼। इसको एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स आपको एक रफ मार्किंग करना है थोड़ा वेस्ट के लिए। ये 3¼ 3¼ इंच है, 3¼ को इधर रखना है और वेस्ट है हमारी 32, तो 32 का 1/4 होता है 8 पे मार्किंग करना है। एक मार्किंग थोड़ा और ऊपर कर देना है और यहाँ पे एक रफ मार्किंग लगा देना आपको। अभी ये चीज़ नाप लेना है हमारा, ये हमारा आ रहा है 5, तो इधर भी हम 5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये अब ये लाइन डार्ट पॉइंट से ये 5 इंच का जो मार्किंग लगाए हमने उसको मैच कर देंगे, ये मिला देंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे और ये इसको स्ट्रेट रख के 90 डिग्री पे, ये जो हमारा मार्किंग है 5 इंच का, इधर स्ट्रेट रखना है स्केल को और ये इसको एक मार्किंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इससे ये होगा कि हमारी जो वेस्ट लाइन है एकदम स्ट्रेट आएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। अभी क्या करना है हमको, इधर 1/4 इंच पे मार्किंग करेंगे, इधर 1/4 इंच पे मार्किंग करेंगे
एक इंच छोड़ देना है, इधर भी एक इंच छोड़ देना है, और ये इसको ऐसे मिला देना है, और ये इसको ऐसे मिला देना है। ये इसलिए बड़ा है फ्रेंड्स कि जब डार्ट लगता है, तो ऐसा कोना बनता है, तो उसकी वजह से हमारी जो वेस्ट लाइन है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, कोना नहीं बनेगा, एकदम स्ट्रेट आएगी। तो क्वार्टर क्वार्टर ही दोनों साइड में बढ़ा के इसको स्ट्रेट मार्किंग लगा देना है। अभी फ्रेंड्स जो आर्मोल के मिडल पे, एट आर्मोल है हमारा, तो आर्मोल के मिडल पे एक मार्किंग करेंगे हम, और ये मार्किंग को इधर मिला देंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो प्रिंसेस की जो गोलाई बनती है इसमें बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक इंच पे मार्किंग करना है, ये साइड में एक इंच पे मार्किंग करना है, राइट। भी यहाँ पे आपको क्वार्टर इंच इधर लेना है, क्वार्टर इंच इधर लेना है, बाकी साइड में क्वार्टर इंच दोनों साइड में बढ़ाना है, इसको इधर मैच करना है और इसको इधर मैच करना है। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एरिया राउंड हो जाएगा आपका। अब ये राउंड को इधर मिला देना है, ये, और ये राउंड को इधर मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट का मार्किंग हो चुका है फ्रेंड्स, तो ये हम कटिंग कर लेंगे अभी इसको। फ्रेंड यहाँ पे मैंने मार्कर से मार्किंग किया, इसलिए सही मार्किंग नहीं लगा है, तो आप पेंसिल से मार्किंग करना, मार्कर से नहीं करना। ये इस तरह का राउंड आएगा, देखो इस तरह का, इसकी गोलाई को थोड़ा अच्छे से सेट कर देना इसको। ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर मैंने जो तरीका बताया इस तरीके से कर लोगे तो आपकी गोलाई परफेक्ट आ जाएगी। तो ये है हमारा डार्ट पॉइंट, राइट। अभी इसी तरह इसको कंटिन्यू कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम फ्रंट ओपन रखने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक डार्ट लगा देंगे। जब फ्रंट ओपन होता है तो यहाँ पे डार्ट लगाना पड़ता है हाफ इंच का। अगर ये फ्रंट ओपन नहीं है तो ये डार्ट नहीं निकलेगा, मगर यहाँ फ्रंट ओपन, हम फ्रंट ओपन रखने वाले इसलिए डार्ट को निकाल देंगे, राइट। अभी फ्रेंड्स बैक का कटिंग करते हैं हम। बैक में आपको क्या करना है, ऊपर एक इंच जितना पेपर छोड़ देना है और ये इधर से मिला देना है। ये अभी हमारा बस्ट, बस्ट का मेजरमेंट हमको 40 रेडी चाहिए, 40। तो फ्रंट हमारा है 11, तो ये जो बस्ट लाइन पे हम 11 इंच रखेंगे ये, और 20 पे एक मार्किंग करेंगे, ये हो गया 40, 40 का हाफ 20। तो ये बैक हमारी कटने वाली है 9 इंच की, तो 9 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे हम, सीधा मार्किंग कर देंगे। और ये जहाँ से हमारा प्रिंसेस कटा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। अभी देखना बैक काटना बहुत ही आसान है, और मैंने एक चीज़ जो बताया था वो आपको बताने वाला हूँ। अभी ये जो हमारा प्रिंसेस का कट है, यहाँ से कटा हुआ है, राइट। तो इसको जब हम रखेंगे तो उसके लेवल में ही रखना है, और ये इधर जो हमारी जो लाइन है, इधर ये प्रिंसेस को मिला लेना है। यहाँ पे आर्मोल का मार्किंग कर देंगे, यहाँ पे वेस्ट लाइन का मार्किंग कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ जो डमी पे बताया था आपको, कि ये जो पार्ट होता है एक इंच बड़ा होता है, राइट। तो इधर हम थोड़ा सा क्वार्टर इंच जितना हम बढ़ाएंगे, और इधर एक इंच जितना बढ़ाएंगे, और ये इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा बैक का समझो ड्राफ्टिंग हो चुका है। अभी अक्रॉस बैक है 15, तो 7.5 पे, 7.5 पे एक मार्किंग करेंगे अक्रॉस बैक का, राइट।
और शोल्डर है हमारा 15 एंड हाफ। तो ये जो मार्किंग हम एक 15 एंड हाफ पे मार्किंग करेंगे और ये इसको इस तरह से मैच कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे जो हमारा अक्रॉस बैक का मार्किंग है और ये शोल्डर का मार्किंग, इसको मिला देंगे। और ये हमारा आर्मोल का मार्किंग है, इसको ऐसे मिला देंगे और ये कर्व की मदद से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे बैक के आर्मोल का, राइट। और ये जो हमारी वेस्ट लाइन है इसका एक सीधा मार्किंग लगा देंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे वेस्ट 9 है जबकि हमको चाहिए 32 का होता है 1 4 8। एक इंच का अगर डिफरेंट आता है आपको तो डार्ट आप स्किप कर सकते हो, लगा भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। एक इंच से ज़्यादा अगर डिफरेंट आएगा तो आपको डार्ट लगाना पड़ेगा, मगर मैं यहाँ पे डार्ट को स्किप कर रहा हूँ, डार्ट नहीं लगा रहा हूँ। तो ये रेडी 8 इंच पे मार्किंग कर दूंगा मैं। ये यहाँ पे 1/4 इंच पे ऊपर की साइड में मार्किंग करना है और ये इसको इधर 1/4 इंच ऊपर लेना है, इधर मिला देना है, इससे फ्रंट वेस्ट लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। और ये शोल्डर हमारा जितना स्लोप हुआ है, जितना डाउन हुआ है, 1/4 इंच डाउन हुआ है, तो इस 1/4 इंच पे एक मार्किंग हम लगा लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा बैक का नेक हो गया। तो फ्रेंड्स इसको मैं कटिंग कर लूँगा, उसके बाद फैब्रिक पे कटिंग करके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि फिटिंग कैसा आता है, राइट। फ्रेंड्स पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो फर्मा कट्टा है उसमें सीम अलाउंस नहीं होता है, मार्जिन नहीं होता है, फैब्रिक पे हमको मार्जिन रखना पड़ता है, जो भी सीम अलाउंस हमको फैब्रिक में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए 1 साइड का मैं पार्ट काट रहा हूँ मैं फैब्रिक पे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट ओपन होने वाला है, इसलिए हम ये डार्ट को बंद कर देंगे, ये डार्ट निकाल देंगे हम। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा,